अपने एक और न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की शुरुआत में अपने घर से कर रही हूँ और करीब 1 बजे से कर रही हूँ। तो अभी बहन भी आ गई है स्कूल से, तो उसको कहेंगे कि खाना पीना खा लेते हैं। और मैंने नहा लिया है, मिस्टर जी नहाने गए हुए हैं, नहा के आ जाते हैं। तो उसके बाद ना मुझे खून टेस्ट कराने के लिए जाना है, तो अभी नारंगमता में जाएंगे। और वहाँ का मैं भी थोड़ा बड़े दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हुई हूँ ना, तो देख के आती हूँ बाहर का माहौल क्या है करके। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी मेरा खून कम हो गया था ना, तो मैं तो डॉक्टर से मिले थे, तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेना, तो वही सब टेस्ट कराने जाना है। तो थोड़ा सा मार्केट भी घूम आएंगे, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, बाकी का जो भी होगा ना आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आई हुई थी अभी थोड़ा काम से मार्केट में, तो थोड़ा हम इधर आ गए क्योंकि जिस काम से आए थे और जिस शॉप में जाना था हमें, तो वो शॉप बंद थी। तो चलिए जी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मेला लगने वाला है। तो फाइनली गाइज, अभी नवम्बर आ गया, दीपावली आने वाली है और यहाँ पे मेला भी मेला की शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पे ना सारा सामान जो अपनी दुकानें हैं वो लगाने के लिए आ गए हैं। तो काफ़ी दुकानें लग भी रही हैं और झूला वगैरह भी है आ गया है। तो चलिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ना बैम्बू वाली जो रोड साइड में लगती है ना दुकानें, वो भी बैम्बू आ रखे हैं, मतलब बांस वगैरह जो भी है। और कुछ कुछ दुकानें आ गई हैं जो कि अपना तंबू वगैरह सेट कर रहे हैं, मतलब दुकान को लगाने के लिए, मतलब दुकान जैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पे सब ने लाइन वगैरह खींच रखी है कि यहाँ पे हमारी दुकान होगी यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार या ऐसा, मतलब कुछ इस प्रकार जो है ना सारी दुकानें लग रही हैं। तो लोग बाग आ रहे हैं और अपनी अपनी जगह को पहले से ही मतलब देख के जा रहे हैं। और ये है रोड साइड का, तो यहाँ पे ना देख सकते हैं कुछ कुछ ही दुकानें आई हैं, ज़्यादा अभी नहीं आई हुई हैं। बाकी की यहाँ पे पकौड़ियाँ वगैरह की दुकानें आ रखी हैं, तो ये तो पहले से ही आ जाती हैं, बहुत पहले से आ गई हैं, तो देख सकते हैं। और झूला भी आ गया है, तो झूला भी इस बार यहीं पे लगने वाला है, वरना एक दो साल उधर लगा था, लेकिन पिछले साल भी यहीं पे लगा था। तो ये भी झूला भी इस बार भी यहीं पे लगने वाला है, तो ठीक है, क्योंकि झूला जहाँ होता है वहीं पर मेला अच्छा लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा दुकानें आ गई हैं क्योंकि मेला दीपावली नज़दीक है, तो भैया मेला है तो दुकानें तो आएंगी ही। और यहाँ पे लगती हैं सारी चाट वगैरह की दुकानें, तो देख सकते हैं इन्होंने भी अपने अपने दुकानें लगा रखी हैं, लेकिन अभी बंद करके रखा हुआ है क्योंकि अंदर सारा सामान जो है वो कर रहे होंगे। और ये तो है रोड साइड का, तो हम ना अभी जा रहे हैं पैथोलॉजी लैब में, पहले आए थे तो दुकान बंद थी। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपना खून टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी सेंटर में। तो अब देखते हैं खून वगैरह देते हैं, फिर देखेंगे कितना खून है मेरा। मैं यहाँ पे आई थी पैथोलॉजी लैब में और यहाँ पे मैंने अपना खून वून दे दिया है, खून निकाल लिया है। तो आधे घंटे बाद मेरी रिपोर्ट मिलेगी, तब आएंगे लेने के लिए। तो खून देने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, ये है गुरुद्वारा वाली रोड। तो हम गुरुद्वारा वाली रोड से अब घर जाने वाले हैं, क्योंकि आधे घंटे में रिपोर्ट मिलेगी तो मिस्टर जी अपने आप लेके जाएंगे। और यहाँ पे भी दुकानें लगती हैं, तो यहाँ पे भी अपनी अपनी जगह पे दुकानें लगाने लग गए हैं लोग बाग। और बाकी का अभी तो खाली है, अभी सेट करते हैं सारा सामान सब लोग। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पहले से यार, और मैं तो इस बार मेला देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी, ऐसी गाड़ी में घूमूंगी, मैंने पहले से ही देख लिया मेला। तो देखिए भाई, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे कुछ पत्थर के बर्तन या जो भी है बट्टा वगैरह बोलते हैं, तो सारे लोग यहाँ। तो घर आते हुए फिर शाम हो गई थी थोड़ी देर बैठने के बाद, तो हमने खाना पीना बनाना था, तो उसकी तैयारी करने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना सब लोग अपने अपने काम पे लगे पड़े हैं। और यहाँ पे मैंने मशरूम को दही में थोड़ा सा लपेट के रख दिया, दही में लपेटा मार दिया तो ये रख दिया है। और बाकी वहाँ पे तड़का जो है ना वो रेडी हो रहा है। तो हम तीनों बहनों ने ना यहाँ पे सारा काम जो है ना थोड़ा थोड़ा काम बांट के रखा हुआ है, तो अपना अपना काम निपटा रहे हैं, ऐसे में जल्दी खाना भी बन जाएगा। क्या लेके आया एकम? एकम क्या लेके आया? डेरी मिल्क। एकम ये मेरे लिए लाया है, ये मेरे लिए खा लूं। ये मौसी कहाँ गई? मुझको तो दे दिया ये मौसी। एक और मौसी, मौसी बुरा माना नहीं तो एक और मौसी को नहीं देगा चीज़। अब मैंने बोलूंगी दो ही कटोरी डाल ले। वो देख अब सोएगा नहीं करो हमारो बिल्ला, घर को मैन ऑफ द हाउस।
तो चलिए जी, यहाँ पे ग्रेवी हमने ना ग्रेवी वाली बनानी थी, तो ग्रेवी मैंने मिक्सी में नहीं कूटी हुई थी, पीसी हुई थी मतलब, तो वो हमने कुकर में 2 सीटी लगाने के बाद उसको ग्रेवी तैयार कर लिया था। तो यहाँ आज हम मशरूम बनाने वाले हैं थे कुछ नए स्टाइल से। तो दही वाला मशरूम कभी खाया हो तो बताना, लेकिन हमने तो खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बना लेते हैं। तो आधा तड़का बहन ने बना दिया था, लेकिन तड़का लगाने का काम तो मेरा ही था, तो मैं ही खाना बना रही हूँ, मतलब तड़का लगा रही हूँ सब्जियों में, बाकी बहनों ने अपना अपना सारा काम कर दिया है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया, कुकर में ही पकाने वाली हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने जो मशरूम है ना, आज मैं मशरूम बना रही हूँ, वो भी ना अलग स्टाइल से बना रही हूँ, तो देखते हैं कि खाने में कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने मशरूम में तड़का लगा दिया है, साथ में बहन ने यहाँ पे चावल बनाए हुए थे और एक बहन ने आटा गूंथ दिया था, तो अभी ना सारा काम मिलजुल के हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा दिन का क्योंकि बहनें आई हुई हैं, नहीं तो मैं अकेली रहती हूँ, तो अब सारी बातें मतलब बहनों से उनके साथ उठना बैठना हो जाता है ना, तो मेरा भी दिन कट जा रहा है आजकल। और तो खाना पीना बनाने का टाइम हो गया था क्योंकि बहन का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, तो अभी वो नहाने गई हुई है, तो जब तक वो आती है तब तक यहाँ पे खाना रेडी हो जाएगा, और मैंने जो तड़का लगाया था ना मशरूम, वो भी बन के ही रेडी हो जाएगा। और नए स्टाइल से बनाया हुआ है मैंने मशरूम, तो जब बन जाएगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि मतलब कैसा दिख रहा है, और टेस्ट में भी चख के बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो अभी फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। 10.5 उसने कहा था, 10 होगा ना, तो क्या कहते हैं, तो घर चले जाना। उसने कहा था 10 होगा तो घर चले जाना, मतलब मत चढ़वाना। अच्छा। तो हमने नहीं चढ़वानी है, और बाकी बढ़ जाएगा। हाँ। इसको देखो बंदरी जी। चलिए जी, मिस्टर जी रिपोर्ट लेकर आ गए हैं, तो मेरा खून ठीक ठाक है, तो मुझे आयरन की जो ड्रिप्स लगनी थी वो अब नहीं लगवानी है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था ना डॉक्टर ने कि अगर 10 पॉइंट करके कुछ रहेगा तो या 10 होगा तो आप ड्रिप मत लगवाना, और उसे नीचे आया तो ड्रिप चढ़ेगी, तो फिलहाल अब नहीं चढ़ेगी, और मैं ना इससे बच रही थी तो अच्छा हुआ। और फिलहाल हमारा खाना पीना भी थोड़ा बहुत रेडी, क्योंकि सीटी वीटी आ गई है तो वो रेडी हो गया है, तो अब देखते हैं उसको फटाफट से खाना पीना बना लेते हैं। तो देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मशरूम की सब्जी यहाँ टेस्टी टेस्टी सी रेडी हो गई है, तो कैसी लग रही है आपको बताओ ज़रा कमेंट में, और किस किस का मन ललचा रहा है खाने को देख के। किसका मन हो रहा है इस रूम में जाने का। इस रूम नहीं, मशरूम। इस रूम में, ये रूम है कौन कौन। तो दोस्तों यहाँ पे सिवारती लग गई है रोटी बनाने में, यहाँ रोटी हो गई है, पलट दे मैं पलट। तो अभी देखना ये रोटी कैसे बनाएगी। तो दोस्त चलो ये रोटी बना लेती है, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ना सोनिया भी खाना खा रही है, तो अभी ना उससे पूछते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा लग रहा है, मतलब जो सब्जी बनाई थी वो कैसी लग रही है। है सोनिया, सच्ची? तो झूठ मत बोलना। तो दोस्तों मैंने अभी आज खाई ऐसी सब्जी है, पहली बार खाई है ऐसी सब्जी। अच्छा, अच्छी लगी? कुछ फर्क? आप पहले आलू में डाल कर बनाते थे ना? हाँ, प्याज में, आलू में। चलो तो भैया, खाना तो मेरा अच्छा बना है, मैंने तो खाना तो मेरा अच्छा बन गया है, मुझे कमेंट मिल गए हैं, मतलब रिव्यू इनका ले लिया है कि ऐसा बना है। बाकी की आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अनुराधा मिलती हूँ आपको अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।